चौरी चौरा थाना अंतर्गत भोपा बाजार के पास कुंदन मार्केट में स्थित फिनो पेमेंट बैंक में हुई 9,57,269 रुपए की चोरी की घटना में शामिल बैंक के कैशियर समेत 3 कर्मचारियों को चोरी चौरा पुलिस व क्राइम ब्रांच ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर चोरी की रकम में से इनके कब्जे से 3,42,590 रुपए बरामद कर लिया। इस संबंध में पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधीक्षक उत्तरी अरविंद कुमार पांडे, पुलिस अधीक्षक क्राइम अशोक कुमार वर्मा, क्षेत्राधिकारी क्राइम प्रवीण कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी चोरी चौरा सुमित शुक्ला ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर बताया कि फिनो बैंक का कैशियर प्रगट कुमार मिश्रा, बैंक कर्मचारी कृष्ण कांत राय और नौशाद ने चोरी की झूठी सूचना रचकर पैसा चोरी का अंजाम दिए थे। शुरुआती जांच के बाद पुलिस जैसे जैसे छानबीन शुरू की वैसे वैसे चोरी की घटना की परत दर परत पोल खुलती चली गई और साजिश को अंजाम देने वाले बैंक कर्मचारी पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जिनकी निशानदेही पर पुलिस चोरी की रकम में से लगभग 3,42,500 रुपये नकद बरामद कर लिया। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे ने कहा, हम लोगों ने 3,42,590 का 1,200 रुपए इनका भले बाकी 100% रिकवर। फ्राइडे को जब बैंक बंद है उसी दिन जब ये दोनों लोग बचे तो इन लोगों ने पहले लॉकर को खोल लिया, उसको खोलने के बाद ये आपके सामने मौजूद है, ये ऊपर में रहते उससे उसको अंदर वाली जो चद्दर थी उसकी उसको क्षतिग्रस्त की अंदर वाली चद्दर को। अच्छा। और उसके बाद पीछे अपना साइड में जो दरवाजे में जितने उसके बंद रही, मंडे को बैंक खोले तो यही सूचना दी है सब लोगों ने, चोरी हो गई है। और ये दोनों लोग किए थे, दोनों आपके सामने रखा है, इस झोले में ही करके यही सब नोट करके झोले में करके इसको देता है। अब ये होगा कि नॉर्मल हो जाएगा तब लेंगे। और वो स्कूटी में 24 तारीख को फिनो पेमेंट बैंक है चोरी चौरा भोपा बाजार कस्बे में एकदम रोड साइड में, वहाँ चोरी की जो है घटना दर्ज कराई गई थी कि चोर घुसे और तिजोरी बैंक का सेफ तोड़ के 9,57,000 चोरी कर लिए। इस घटना की जो है छानबीन की गई तो जो वादी थे प्रगत कुमार मिश्रा, बैंक में कैशियर काम करते और थे इनके सहयोगी और एक अन्य व्यक्ति, यही इस मामले में अभियुक्त निकले। इस मामले में तिजोरी में उस दिन जो भी माल था 100% रिकवरी की गई है, 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। एक्चुअली लोग क्लेम करते थे कि 9,58,000 रुपये था, लेकिन वास्तव में इन सबों ने पहले से गबन कर रखा था। घटना और स्थिति को मात्र 3,44,000 रुपये थे, जिसमें 3,42,000 रुपये हमारी फील्ड की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा बरामद किया गया है और बहुत जल्दी घटना का अनावरण किया गया। नहीं, अन्य कोई का भी जो है संविदित नहीं प्रकाश में आई है। ये तीनों बैंक से जुड़े हुए कर्मचारी थे, दो बैंक में थे, इसी बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र चलाता था। इन लोगों को ही अरेस्टिंग हुई है और बरामदगी अच्छी बरामदगी हुई है।